और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को। इसमें 5 लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया था और जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। उसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम एलविश यादव है और जो यूट्यूबर है। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, तो आज मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई, इन अ गुड वे भी इन अ बैड वे भी, ऐसा तो है नहीं पूरी दुनिया मेरे को जानती है। जितने लोग जानते हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या काम है मेरा। देश के जाने माने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एलविश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनसे तकरीबन 3 घंटे पूछताछ की है। इस पूछताछ में एलविश यादव की हालत खराब हो गई। आइए चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों इस पचड़े में एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई एलविश यादव का करियर तबाह हो जाएगा? आज से कुछ दिन पहले की बात है, नोएडा पुलिस ने एलविश यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी रेप पार्टी में उन्होंने सांप के जहर का इस्तेमाल किया था। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में छापामारी की थी, जिस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इन आरोपियों के पास से 5 कोबरा समेत कुल 9 सांप बरामद हुए और इन्हीं आरोपियों ने एलविश यादव का नाम लिया था। तब से ही एलविश यादव का मामला काफी ज्यादा गर्माया हुआ है। यूं तो एलविश यादव ने अपने देसी स्टाइल और हरियाणवी स्वैग से लाखों लोगों का दिल जीता है। 27 साल के एलविश यादव गुरुग्राम के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। इस पर वो हमेशा देसी स्वैग और हरियाणवी स्टाइल में वीडियो अपलोड किया करते थे, जो हर किसी को खूब पसंद भी आता था। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और आज वो सोशल मीडिया के किंग बन चुके हैं। कॉमेडियन कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ एलविश यादव एक रोस्टर भी हैं। उन्होंने सलमान खान और कई बड़ी सेलिब्रिटी को भी रोस्ट किया है और फैंस इनके रोस्टिंग के भी दीवाने हैं। लेकिन मौजूदा समय में एलविश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनसे तकरीबन 3 घंटे पूछताछ की है। एलविश यादव से हुई पूछताछ के दौरान क्या क्या हुआ, इस पर जानकारी भी सामने आई है। हालांकि पूछताछ के दौरान एलविश के साथ वकीलों का एक पैनल भी मौजूद रहा और पुलिस ने सारे तथ्यों को जुटाकर पूछताछ की। हालांकि एलविश ने अभी तक पूछताछ पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसने ये खुलासा किया है कि वो बीमार पड़ गया। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एलविश ने लिखा है, आज कोई ब्लॉग नहीं, दोस्तों ठीक नहीं है, कल से दोबारा मस्त चालू। उन्होंने बुधवार सुबह ये बयान पोस्ट किया था। तो वहीं दूसरी ओर ज्वाइंट CP ने इस बारे में बातचीत करते हुए बताया कि वादी के दौरान जो साक्ष्य मिले और पुलिस ने भी कई सारे फैक्ट्स जुटाए हैं, उन सब को लेकर एलविश यादव से पूछताछ की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी राहुल और एलविश का आमना सामना कराया जाएगा, ऑडियो की फॉरेंसिक जाँच भी कराई जाएगी और सवालों का एक खाका तैयार कर पूछताछ भी की जाएगी और ठोस तथ्यों के साथ पूछताछ होनी है। उन्होंने कहा कि दोबारा से भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इतने नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पूछताछ के दौरान एलविश यादव काफी घबराया भी हुआ था। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स एंगल पर पूछताछ की जा रही है, साइंटिफिक और निष्पक्ष रूप से पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि एलविश और उनके वकीलों से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए और अगर साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे तो उनको एग्जामिन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 लोगों को 3 नवंबर को सेक्टर 51 के एक बैंकवेट हॉल से गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 5 कोबरा सहित 9 सांपों को बचाया गया था। उनके कब्जे से 20 मिलीमीटर सांप का संदिग्ध जहर भी जब्त किया गया था। पुलिस उपायुक्त जॉन प्रथम हरीश चंद्र ने बताया कि एलविश को पूछताछ के लिए बुधवार को दोबारा बुलाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि एलविश से मिली जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक विधि और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की तफ्तीश की जाएगी। वैसे एलविश यादव से पूछताछ का दौर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और उनकी मुश्किलें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एलविश यादव ने यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी नाम और शोहरत कमाया है। बिग बॉस OTT के विनर और फेमस यूट्यूबर एलविश यादव के पास करोड़ों की संपत्ति भी है। साथ ही एलविश यादव के पास कई लग्जरी गाड़ियां और फ्लैट भी मौजूद हैं। इनकी कमाई उनके सोशल मीडिया में भी नजर आ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि यूट्यूब से उनको तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की कमाई हो ही जाती है। इसके साथ ही वो कई बड़ी कंपनियों के साथ ब्रांडिंग भी करते हैं, जिसके लिए वे लाखों रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ ही वो कई गानों में भी कास्ट किए जा चुके हैं और इससे वो मोटी रकम भी चार्ज करते हैं। इसी के साथ ही उनके पास कई सारी महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं और एलविश यादव को लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन है। उनके पास पोर्शे कार मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। घर की अगर बात करें तो एलविश का गुरुग्राम वाला मकान तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए का बताया जाता है और एलविश यादव ने दुबई में भी एक बंगला खरीदा है, जिसका जिक्र उन्होंने एक अपने ब्लॉग में किया था। उसमें फैंस को होम टूर भी कराया था। लेकिन मौजूदा समय में एलविश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और उनके इस नए विवाद ने उनके करियर को काफी ठेस भी पहुंचाया है। शुरुआती दिनों में पढ़ाई में तेज रहे एलविश यादव ने कभी भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में उन्हें इतना नाम और शोहरत मिलेगा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुरुग्राम से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में चले गए थे। वहां उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। एल्विश ने गुरुग्राम के द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर विज्ञान और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल की है, लेकिन यूट्यूब ने उनकी जिंदगी बदल डाली। मौजूदा समय में बिग बॉस ओटीटी के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को पूरे देश भर में काफी नाम और शोहरत मिल चुका है, लेकिन एक नए विवाद ने उनकी जड़ों को हिला दिया है। अब आने वाले समय में एल्विश यादव की मुश्किलें थमती हैं या फिर वो इस मुश्किल में और ज्यादा घिर जाते हैं, यह तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।